ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं आया हूँ आज बाबा जी के पास और मेरे साथ मेरे भाई रौनक हैं। एंड आज बारिश हो रही थी, बट जैसे भी है मौसम थोड़ा सा खुशनुमा हुआ है, ख़त्म हुई है बारिश, तो मैं बाबा जी के पास सीधा आ गया हूँ एक प्रश्न लेके। और चलो बाबा जी से बात करते हैं, क्या है, कैसे है, और जो मेरा प्रश्न है वो उसका उत्तर मेरे को पता ज़रूर मिलेगा। और इसका जो है फ़ायदा आप सब भाई लोगों के लिए ही है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जो राइड करते हैं और जिनको पता नहीं है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स के बारे में, ये बाबा जी एक तरह का डू इट योर सेल्फ और नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपनी, आप सब क्या, आप सब भाई लोगों के लिए। चलो बाबा जी से बात करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं इस समय फिर आया हूँ हमारे डॉक्टर बुलेट बाबा जी के पास एक और प्रश्न लेके। और आज बारिश और मौसम क्या मस्त हुआ हुआ है। बाबा जी चाय पी रहे थे तो मैं ऊपर ही आ गया और बाबा जी को ऐसे ही पकड़ लिया मैंने। तो बाबा जी, मेरे को जो प्रश्न है वो ये है कि आप बता सकते हैं कि जो हमारी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसमें हम ऑयल कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसका लेवल चेक किया जा सकता है, और कितना ऑयल डलता है बाइक के अंदर, क्योंकि भाई लोगों को जो चलाते हैं राइडर्स, कईयों को पता नहीं होता। ऐसा है, देखिए जी, जब आपने ऑयल चेक करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी को मेन स्टैंड पे लगाना है। okay. उसके बाद आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है और उसको 5 से 6 सेकंड स्टार्ट रखना है। okay. 5 से 6 सेकंड के बाद आपने उसको बंद कर देना है। mm-hmm. उसके बाद आपकी किक जहाँ होती है uh-huh. उसके साथ में एक शीशा मिरर लगा हुआ है, आई ग्लास इसको कहते हैं। okay. उसके ऊपर 2 लकीरें होती हैं, एक लोअर बेस एक अपर बेस। okay. तो आपका जो ऑयल है वो अपर बेस तक होना चाहिए। सपोज okay. अगर आपका ऑयल अपर बेस पे नहीं है तो आप उसको टॉप अप कर लीजिए। okay. वैसे टोटल इसमें ऑयल जो होता है, क्लासिक गाड़ी हो या यूसी जितने भी इंजन है, uh-huh. इसके अंदर आपका 2.5 लीटर ऑयल डलता है। okay. इसमें 3 जगह दी हुई है ऑयल निकालने की। okay. इसमें एक मेन ड्रेन बोल्ट है, uh-huh. एक इसमें ऑयल पंप का जो जाली होती है एक वहाँ से ऑयल निकलता है, uh-huh. और एक क्रैंक केस में 12 नंबर का बोल्ट होता है वहाँ से निकलता है। okay. आप वहाँ से सारा ऑयल निकाल लीजिए, uh-huh. फिर वापस अपने जो सामान आपने खोला उसको वापस फिट करके uh-huh. इसमें 2.5 लीटर ऑयल डाल दीजिए, uh-huh. आपका ऑयल लेवल करेक्ट आएगा। ओके, सो आप दिखाएंगे कैसे ऑयल लेवल चेक होता है, कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ऑलराइट पीपल, मेरे साथ हैं अभी शिल्पा एंड शी इज़ अ राइडर ब्लॉगर फ्रॉम पुणे। ये भी भाई हमारे पुणे से आए हुए हैं। पीछे मेरा भाई एक और है, वो भी पुणे से आए हैं। सो दे जस्ट केम इन फ्रॉम लद्दाख एंड यहाँ पे आके एक दिन का स्टे लिया है और करोलबाग आए हैं बाबा जी के पास, और थोड़ा सा काम हो रहा है इनकी गाड़ियों का। सो थैंक यू सो मच शिल्पा फॉर मीटिंग अस एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू। एंड ऑल्सो अभी बाबा जी थोड़ा सा कुछ खाने के लिए एंड पीपल डू फॉलो हर, हर चैनल इज बाइक माय सोल ऑन द यूट्यूब, डू सब्सक्राइब हर चैनल। ओके, Hey man, how are you? I'm good, bro. How are you? I'm doing good. So please, people follow him also. And stunts, अगर जिसको पसंद है तो please आप देखिए. Sure, देखिए मेरा channel, India का number one stunt biking channel है, Akidio Hot Piston, जिसमें आपको stunt सीखने के लिए भी stunt tutorial videos मिल जाएंगे और बहुत सारे interesting biking के, bike को मैं तो खराब करता हूँ, ऐसे video भी मिल जाएंगे आपको. तो अभी जो मेन लेह लद्दाख का हमारा मिशन था वो शिल्पा मैम के साथ था, तो वो अभी 100% सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से अभी और 2000 किलोमीटर हमको बाइक चला के जाना है, तो शिल्पा ने कहा कि उनके बाबा भाई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी सर्विस करवाते हैं, तो चलो दिल्ली आ गए हैं तो थोड़ा सा मार्केट दिल्ली घूम लेते हैं और बाइक सर्विस करवा के निकल जाते हैं यहाँ से वापस कर्नाटका के लिए। मैं एक्चुअली कर्नाटका से हूँ, भटकल। okay. और ये शिल्पा जो है पुणे से। आई नो शिल्पा जी पुणे से, मैं उनको मिला हूँ। और इधर है मेरे भाई रौनक। हेलो गाइस, और रौनक जी से आज दोबारा मुलाकात हो रही है, गाड़ी के एक नई गाड़ी के साथ आए हैं परेशानी लेके बाबा जी के पास, हमारे जो डॉक्टर बुलेट हैं। सो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, जब हमारे लिए बाबा जी थोड़ा सा खाने के लिए मंगाते हैं। बाबा जी प्लीज जल्दी आ। गाड़ी में अब ऑयल डल रहा है, तो इसी जब ये गाड़ी में ऑयल डल जाएगा तो फिर आपको दिखाता हूँ जो बाबा जी ने बताना है आगे। ओके, ऑयल आपने ऐसे चेक करना है, सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है।
आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चार से पाँच सेकंड इसको स्टार्ट रखिए, उसके बाद गाड़ी को बंद कर दीजिए। उसके बाद ये नीचे शीशा लगा होता है, ये शीशा, ये लोअर है, ये अपर है, ये दो मार्क हैं, ये लोअर एक अपर है। तो बेस्ट तरीका ये है, पहले आप अपनी गाड़ी को टिल्ट कर लीजिए पीछे की तरफ, तो ये शीशा खाली हो गया, देखिए। हाँ जी, हाँ जी। आप इसको सीधा सीधा नीचे आने दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये देखिए शीशा सेकंड मार्क पे आ गया, ऑयल आ गया, ऑयल सेकंड मार्क पे आ गया। हाँ जी। बस दैट्स ऑल, ये आपका ऑयल चेक है, ये सेकंड मार्क पे आ गया। अगर 1% नहीं आता तो गाड़ी को दूसरी तरफ को टिल्ट कीजिए, अपनी तरफ को ऐसे करके देखिए, अगर ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब थोड़ा सा कम है, उसको टॉप अप कर लीजिए बस। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि जो ये दो धारियां दिख रही हैं, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, दो लेवल की, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ऑयल यहाँ तक होना चाहिए, ऑयल यहाँ तक होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है, ऊपर वाले लेवल पे, हाँ ऊपर वाला अपर है, हाँ जी, ऊपर वाला अपर है और नीचे वाला जो है आपका ऑयल कम है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। सो बाबा जी, जो आपने अभी ये जो नॉलेज शेयर करी है, ये सब भाई लोगों के लिए है जो रॉयल एनफील्ड चलाते हैं, हाँ जी, एंड उन सब के लिए है कि आप अपनी गाड़ी में ऑयल का जो लेवल है वो किस तरीके से रख सकते हैं। थैंक यू सो मच बाबा जी आज अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। वेलकम जोल जी, वेलकम। और राइट दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये जो छोटा सा वीडियो है, जो बाबा जी के पास एक नॉलेज शेयर करी है ऑयल के बारे में, इंजन ऑयल कितना होना चाहिए बाइक के अंदर, सो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑन JD Vlogs LE एंड सब्सक्राइब मी एज़ वेल ऑन YouTube चैनल दैट इज़ अगेन JD Vlogs LE। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, यू टेक केयर, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, बाय बाय।